नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस वर्डप्रेस के न्यू वीडियो में। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करें। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे क्या करना है। तो गूगल में रैंक करने के लिए आपको सबसे पहले अपना साइट मैप जो है गूगल में सबमिट करना होगा। तो उससे भी पहले आपको अपनी वेबसाइट की प्रॉपर्टी वेरीफाई करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले तो अपनी आप आईडी से लॉगिन हो जाएं। उसके बाद लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ लिखना है सर्च कंसोल, ठीक है। सर्च कंसोल पे आ जाइए आप, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी प्रॉपर्टी अगर एडेड है तो ठीक है, अगर ऐड करना है तो आप अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी वेबसाइट है तो ऐड पे क्लिक करेंगे और आपकी जो भी वेबसाइट है उसके एड्रेस को यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है जी। ऐड तो ये यहाँ पर वेरिफिकेशन मेथड है, किस तरीके से वेरीफाई करना इसको, तो ठीक है। तो आप इसको मैं बता देता हूँ, तीनों चारों में से तीन तरीके हैं। आप कैसे भी ये अल्टरनेट मेथड्स भी है यहाँ पर, ठीक है। एक दो तीन चार, चार तरीके आप कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसी मेथड से कर लेता हूँ, HTML फाइल वेरिफिकेशन फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ और ये हो गई, ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ से करा, डेस्कटॉप पे सेव, ठीक है। उसके बाद चलिए हमें इस फाइल को अपने वेबसाइट के डेटाबेस में अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए हम चलते हैं अपने सी पैनल में, ठीक है। ये हो गया हमारा अकाउंट लॉगिन। उसके बाद चलते हैं फाइल मैनेजर पे। उसके बाद जो भी आपकी वेबसाइट है, अगर बाय डिफॉल्ट यही है पब्लिक HTML में अपलोड कर दीजिए। अगर स्पेसिफिक फोल्डर में है तो आप वहां भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कहाँ है, अपनी वेबसाइट का फोल्डर ढूंढिए, ठीक है। और यहाँ पर अपलोड करना है आपको, ठीक है। तो ये फाइल सिलेक्ट करके, और ये अपलोड हो गया, बैक हो जाइए और आपकी यहाँ से वेरीफाई करते हैं। चलिए ठीक है, वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद आपको एक साइट मैप क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो बहुत इजी है, तो देखते हैं। चलिए इसके लिए आपको एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा SEO के लिए, जो कि दो प्लगइन है, ऑल इन वन SEO। एक तो ये है और एक योस्ट है, तो मैं योस्ट यूज करने वाला हूं। तो इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये देखिए इंस्टॉल हो गया, ये इसे एक्टिवेट करते हैं अब। ओके, एक्टिवेट होने के बाद सीधा हम योस्ट के डैशबोर्ड पे चलते हैं, ठीक है जी। चलिए अपना कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड क्लिक कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम हम ये कर रहे हैं तो, ठीक है। कॉन्फ़िगर, ओके, नेक्स्ट। क्या है, किस चीज़ के बारे में है ये? तो ये हमारा जो है, कुछ भी आप यहाँ से जो भी है आपका न्यूज चैनल है तो न्यूज चैनल, ऑफलाइन बिजनेस है तो ऑफलाइन बिजनेस, ठीक है। जो भी जिस हिसाब से है आप वो कर सकते हो, ठीक है। लोगो नहीं है अभी हमारे पास, यहाँ पे फेसबुक पेज का URL डालना है, जो भी आपके फेसबुक पेज का URL है।
तो आप डाल सकते हैं जो भी है ये फेसबुक और ट्विटर का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। विजिबल विजिबल, ठीक है, मीडिया आपको दिखाना है तो विजिबल कर सकते हैं। नो, अगर आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल ऑथर्स हैं तो यस करें, नहीं तो नो। चलिए ठीक है, ऑथराइजेशन कोड ले लेते हैं, गूगल से वेरीफाई कर देते हैं इसको। लाओ ये कोड यहाँ से कॉपी करा, पेस्ट करा, ऑथेंटिकेट, चूज फाइल, ठीक है, नेक्स्ट, 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 क्लोज। ठीक है, ये हमारा बेसिक योस्ट का कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं अब अपनी साइट मैप की तरफ। तो देखिए यहाँ पर अभी साइट मैप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो साइट मैप ऑप्शन लाने के लिए चलिए चलते हैं फीचर्स में, और एडवांस को करते हैं, एडवांस सेटिंग पेजेस को करते हैं अनेबल, और इसको कर देते हैं सेव। ओके, अब ये देखिए आ गया एक्सएमएल साइट मैप, इस पर क्लिक करते हैं। कर आपको एक बार सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद एक बार चलिए क्लियर कैसे कर देते हैं, ठीक है। साइट मैप पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा साइट मैप यहाँ पर जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स एक्सएमएल को, और चलते हैं सर्च कंसोल पे। तो यहाँ हमें अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करना है, तो क्रॉल में आ जाइए और साइट मैप्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐड और टेस्ट साइट मैप पे चलते हैं, तो जो कॉपी किया उसको पेस्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं। ओके, व्यू टेस्ट रिजल्ट, ये इस पर क्लिक करके देख लेते हैं, वर्किंग फाइन। ओके क्लोज, दोबारा से ऐड करते हैं और सबमिट, रिफ्रेश कर देते हैं, और ये आपका पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है। अब ये 24 to 48 आवर में ये वेरीफाई हो जाएगा, और आपकी वेबसाइट जो है गूगल में रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा, सारे पेजेस रैंक हो जाएंगे आपके, सारे सब कुछ इंडेक्स हो जाएगा। आप इंडेक्स स्टेटस चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए गूगल इंडेक्स का है, अभी यहाँ पर 0 है, ये आपका 24 से 48 घंटे में इंडेक्स हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप, कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम है वर्डप्रेस से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, अगर आपकी वेबसाइट रैंक करने में दिक्कत आ रही हो तो आप जरूर कंप्लेन करें, यहाँ पर नीचे कमेंट करें, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। ओके, थैंक्स, बाय।